पत्नी का खून करके फांसी पर झूल गया, सुसाइड नोट मिला। नमस्कार, मैं हूँ रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं MP7 न्यूज वेब एंड यूट्यूब न्यूज चैनल। आप MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। देखिए इंदौर जिले की विशेष बड़ी खबर। रंग पंचमी के दिन जब सारा इंदौर गेरों से भी गेर मिल रहा था, द्वारिकापुरी में एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या की और खुद फांसी पर झूल गया। उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उसने स्वयं बताया है कि उसने अपनी पत्नी का खून कर दिया है और आत्महत्या करने जा रहा है। जब तक पुलिस पहुंची, दोनों को अस्पताल ले गए थे। TI सतीश त्रिवेदी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि रिलैक्स गार्डन के पीछे द्वारिकापुरी में रहने वाले दंपति ने फांसी लगाकर अपनी जान दी है। सूचना के बाद यहां पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक मृतिका का नाम संतोषी बाई और पति का नाम रंजीत पिचोरवार है। पुलिस के मुताबिक दोनों को परिवार के लोग निजी अस्पताल ले गए थे, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिए। बच्चे रंग पंचमी खेल कर लौटे, माता पिता की डेड बॉडी पड़ी थी। पुलिस के मुताबिक रंजीत अपने दो भाई गजानंद और राजेश व माता पिता के साथ रहते थे। रंजीत कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, वहीं दोनों भाई फैब्रिकेशन और फर्नीचर का काम देखते थे। परिवार के लोगों ने बताया कि राजेश का बड़ा बेटा सौरभ उम्र 14 वर्ष और बेटी निधि उम्र 10 वर्ष है। दोनों रंग पंचमी खेलने दोस्तों के साथ गए थे। करीब 4 बजे जब वापस आए तो दरवाजा खोलकर देखा तो पिता पंखे से लटके थे, वहीं माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी, जिसके बाद चाचा और दादा को आवाज लगाकर जानकारी दी। परिवार के लोग उन्हें अस्पताल ले गए। हाजिरी रजिस्टर में पेंसिल से लिखा सुसाइड नोट पुलिस को एक हाजिरी रजिस्टर में पेंसिल से लिखा हुआ सुसाइड नोट मिला, जिसमें रंजीत ने पत्नी की हत्या कर आत्महत्या की बात लिखी है। उसमें दोनों के बीच काफी समय से तनाव की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस ने नोट हाथ में ले लिया है। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।